तो लग रहा है ना, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची। और इसका हर एक आलू में देखिए मसाले की कोटिंग कितने अच्छे से हुई है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही तीखा, चटपटा और मज़ेदार सा आलू की चाट, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही यम्मी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू। आलू का सीज़न है और नए वाले आलू मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आलू को मैंने दो विसल लगा लिया था और इसे बॉईल कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े आलू लिए हैं, तो इन्हें काटना है हमें बड़े ही साइज़ में। तो दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं आलूओं को काट रही हूँ, दो हिस्सों में डिवाइड करके इसे मैंने चार टुकड़ों में कर लिया है और बीच में से दो टुकड़े कर लिए इस हैं। चाट को बच्चे बूढ़े सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ही बार में ये चट से ख़त्म हो जाता है। तो इसको जब भी बनाएं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। तो शाम की चाय के साथ ये वाला स्नैक बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी लगता है। आलू चाट आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आप इस आलू चाट के फ़ैन हो जाएंगे। तो ये देखिए, आलू को मैंने इस तरह बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया है। अब चलते हैं, इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो ये देखिए, तेल मैंने डाल दिया है और तेल को एकदम हाई फ्लेम पे गर्म करके मीडियम कर लेना है। ये लो फ्लेम पे नहीं करना है इसको फ्राई, वरना ये थोड़े से सोगी हो जाएंगे और फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्रंची नहीं होंगे। तो एकदम अच्छे से ये फ्लेम हाई करना है और तेल जब एकदम गर्म रहे तो इस तरह से हमें इसे डाल लेना है। और एक साथ में सभी आलू को नहीं डालेंगे हम, जितना एक बार में ये पैन में आ जाए उतनी ही डालेंगे, ताकि ये ओवरलोड ना हो और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इतने मैंने डाल लिया है और इसको एक साइड से, जब तक ये फ्राई नहीं होंगे तब टच नहीं करेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से ये अच्छा गोल्डन कलर आने लगा है। तो इसको एकदम अच्छा गोल्डन कलर आने तक ही हम फ्राई करेंगे इसको, इस तरह से अलट पलट के। जब ये एकदम क्रंची और एकदम गोल्डन कलर का हो जाएगा तभी हम इसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसे अलट पलट के देखिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे और एकदम अच्छा कलर आने के बाद ही इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से छन्नी में, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसको हम रख लेते हैं साइड में और इसी तरह से बाकी जो आलू बचे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। मेरे घर में आलू जल्दी कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन जब मैंने ये चाट बनाया तो मैं सोच रही थी शायद कोई नहीं खाएगा, लेकिन जब मैंने पूरी तरह से इसको बनाकर प्रेजेंट किया तो सब एकदम से चट कर गए इसे, और ये एकदम ख़त्म हो गया एक ही बार में। तो ये देखिए, दूसरे सेट को भी हमने एकदम अच्छा सा गोल्डन कलर कर लिया है। अब इसको एक बाउल में हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम आलू को डाल लेंगे जो हमने फ्राई किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बना है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जा रहा है काला नमक, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ऐड किया है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। आधी चम्मच से भी कम इस्तेमाल करेंगे गरम मसाला, जो कि होममेड है। आधी चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली नहीं है, कलर वाली है। और एक चम्मच डाल देंगे भुना कुटा जीरा पाउडर, इसमें इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है। साथ में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हरी चटनी, जो कि इस आलू चाट की जान है। हरी चटनी हर घर में होती है, अगर आपके पास ना हो तो हरी मिर्ची, लहसुन, हरा धनिया, जीरा और नमक डाल के इसे पीस लीजिए। थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर दीजिए। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम आधा कटा हुआ नींबू का रस, इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें नींबू का रस डालने से ये आलू चाट और ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लगेगा। तो इसे बनाते ही आप पूरा चट कर जाएंगे और साथ ही साथ इसे हमेशा अपनी लिस्ट में रखेंगे। तो इसे आप हमेशा बनाना पसंद करेंगे अगर आपने एक बार इसका जायका चख लिया तो। तो देखिए, इसे इस तरह से चम्मच से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा आलू चाट बनकर तैयार हो गया है सर्विंग के लिए। और जब भी आप बच्चों को परोस
से, तो इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके परोसेंगे तो बच्चे और शौक से खाएंगे। तो आप देख सकते हैं हर एक आलू में कितनी अच्छे से मसालों की कोटिंग हुई है, तो सोच सकते हैं ये खाने में कितना मज़ेदार लगेगा। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी बच्चों को दें तो इस तरह से टूथपिक लगा कर दें, तो बच्चों को और एक्साइटेड हो जाएंगे बच्चे खाने के लिए।